And in this video, we're gonna study about science and something about the unit first. So let's start. जैसा कि आप देख रहे हो बोर्ड पे, हमारा जो first chapter है class 4th की science का, वो है food and nutrition. Food and nutrition के बारे में आप already जानते हो और उसके अंदर क्या क्या groups होते हैं और क्या क्या चीजें इसकी होती हैं, इनमें कौन कौन से parts आते हैं या किस part से हमें कौन सी एनर्जी मिलती है, वो सभी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे. इस चैप्टर में हम इस सब चीजों के अलावा भी बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ेंगे और चीजें कैसे डाइजेस्ट होती हैं, इन सब चीजों को पढ़ेंगे और कुकिंग वगैरह करते समय हमें फूड की प्रिकॉशंस किस तरह से करनी चाहिए वो भी हम पढ़ेंगे. सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, आप सब इस वीडियो को जब देख रहे हो तो अपनी बुक और अपनी पेंसिल को लेकर बैठे. जो भी चीजें इसमें आपको समझ में नहीं आती है उसे आप पॉइंट आउट करें और उसे आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर कमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको पूछ सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं. सो आवर फर्स्ट चैप्टर इज, फर्स्ट यूनिट इज फूड. हमारा जो इस बुक का ये बुक है आपकी, और इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट है, वो है फूड और चैप्टर है फूड एंड न्यूट्रिशन. पहले बात कर लेते हैं फूड क्या होता है. हम सभी लोग किसी ना किसी तरीके से अपनी बॉडी को एनर्जी देने के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनका हम सेवन करते हैं. कुछ चीजें हमारी बॉडी के लिए अच्छी होती हैं और कुछ चीजें हमारी बॉडी को नुकसान भी करती हैं. कोई भी चीज हम खाते हैं, अगर वो हम एक लिमिट से ज्यादा अपनी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं तो वो चीजें नुकसान करती हैं, और अगर हम लिमिटेड उन चीजों का सेवन करते हैं तो वो चीजें हमें हेल्दी रखती हैं. फूड जो होता है वो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, हमें ग्रो करने में, हमें हेल्दी रहने में मदद करता है. और न्यूट्रिशन जो होता है, फूड के जरिए हमें मिलने वाला पोषण होता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है, जिस तरह से हम फूड खाते हैं उसी फॉर्म में हमारी बॉडी हमारे फूड को एक्सेप्ट नहीं करती है, उस फूड को डाइजेस्ट करती है वो बॉडी अपने अंदर. और डाइजेस्ट करने के बाद जो उसका पोषण निकलता है, वो पोषण हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करता है. सो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट हेडिंग है, दिस इज फूड एंड न्यूट्रिएंट्स. फूड एंड न्यूट्रिएंट्स के बारे में यहाँ क्या लिखा है उसको रीड आउट करते हैं. फूड इज वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ. इट प्रोवाइड्स द मटेरियल नीडेड फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज. फूड जो होता है वो हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है. सबसे पहला हमारी जो नीड होती है हमारी बॉडी को, वो होती है फूड. ये जो होती है हमारी बॉडी को एनर्जी देने में और हमारा ग्रोथ लेवल बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करती है. हम ही को नहीं, हर प्रकार के लिविंग बींग्स में, चाहे आप प्लांट्स देख लो, उन्हें भी फूड चाहिए होता है और वो सनलाइट के थ्रू, वाटर के थ्रू, उनका लेने का सोर्स अलग होता है फूड, लेकिन वो लेते हैं. इसके अलावा आप एनिमल्स को देख लो, वो लोग एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. वो लोग उन लोगों के भी खाना खाने का और टाइप लेने का अलग अलग चीजें, जैसे काऊ है तो वो केवल हर्ब्स वगैरह पे या घास पे ही डिपेंड करेगी, लेकिन अगर टाइगर है और लॉयन है तो उनको हम घास देके नहीं, वो घास खा के अपनी भूख नहीं शांत कर पाएंगे ना, उनकी बॉडी एक्सेप्ट करेगी. तो जो फूड होता है ये सबके लिए अलग अलग तरीके से हेल्प करता है और सभी इसको ग्रोथ और एनर्जी रिकवर करने में यूज करते हैं. The food we eat contains some useful substance that help us to live and grow. जो food हम खाते हैं उन सभी food में कई सारी useful चीजें होती हैं जो हमें जिंदा रहने में और बढ़ने में मदद करता है. These are called nutrients, और इन्हें ही हम nutrients कहते हैं, पोषण तत्व कहते हैं. अब बात करते हैं food groups के बारे में. We eat many kinds of food items to get energy. हम एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए, एनर्जी पाने के लिए कई सारे फूड आइटम्स यूज करते हैं. वी ईट वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स, मीट, नट्स एंड फिश. हम लोग समटाइम्स नॉन वेज चीजें भी खाते हैं, समटाइम्स वेज चीजें भी खाते हैं, समटाइम्स हम स्नैक्स प्रेफर करते हैं. हर तरह की चीजें हम अपने खान पान में इंक्लूड करते हैं. फूड कंटेन्स डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द बॉडी. जितने भी, और ये सभी जितने भी अलग अलग तरह के फूड्स होते हैं, इन सभी चीजों में अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी को अलग अलग प्रकार से एनर्जी भी देते हैं. द फूड वी ईट कैन बी ग्रुप्ड इनटू फोर मेजर ग्रुप्स बेस्ड ऑन द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन देम. और इन्हीं फूड्स को हम, इनके जो एनर्जी देने के जो अलग अलग फॉर्म है, उन सभी फॉर्म्स को हम चार
मेजर ग्रुप में फोर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं इनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग. एनर्जी गिविंग फूड, फूड दैट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी. कुछ होते हैं हमारे बॉडी में एनर्जी गिविंग फूड. एनर्जी गिविंग फूड वो होते हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. इसकी हेडिंग से आपको पता चल रहा होगा एनर्जी गिविंग फूड, तो ऐसा फूड जो हमें एनर्जी देता है. इसमें आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स. कार्बोहाइड्रेट्स और फैट आप ऑलरेडी मेंशन कर ही दिया है सब कुछ. तो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो होते हैं ये हमारे एनर्जी गिविंग फूड होते हैं. एनर्जी गिविंग फूड दैट मीन्स ये जो फूड होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स जो होता है ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. तो पहले हम पढ़ लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, ये हमें कहाँ किन किन चीजों में मिलता है और किस किस तरह से हमारी बॉडी को हेल्प करता है. क्योंकि कभी होता है ना इतनी सारी चीजें हम लोग दिन भर में खाते रहते हैं, या आपको नए डिश अगर मिलते रहे तो आप खाते रहते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता चलता, आपको नॉर्मल दाल चावल और रोटी में ही ये नहीं पता चलता कि किस चीज से हमें क्या मिलता है. कार्बोहाइड्रेट्स किससे मिलता है, फैट्स किससे मिलता है, प्रोटीन विटामिन ये सब चीजें हमें किस में से मिलता है ये हम जल्दी नहीं पता कर पाते. तो मैं आज आपको बताती हूँ कि हमें कौन से फूड आइटम्स में कौन कौन सी एनर्जी मिलती है. कार्बोहाइड्रेट्स दे गिव्स अस एनर्जी. जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये एनर्जी गिविंग फूड है, दैट मींस ये कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को क्या देगा, एनर्जी देगा. शुगर एंड स्टार्च आर कार्बोहाइड्रेट. चीनी और स्टार्च आपने कभी आलू उबाला होगा, आलू उबालने पर जब उसको आप मम्मी ने चिप्स बनाया होगा कभी, चिप्स को जब वो शेप में काटती है उसके बाद जब उसको बॉइल करती है तो उसमें देखते हो कि आपकी चिकना चिकना सब कुछ निकलता रहता है. या फिर आप देखते हो चावल जब मम्मी बॉइल करती है तो चावल भी एक समय के बाद उसमें से माड़ निकाला जाता है. तो वो सारी चीजें क्या होती है, वो स्टार्च होता है. तो स्टार्च और जो हमारा शुगर होता है चीनी, इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है. पीपल हु डू फिजिकल वर्क नीड्स अ लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. वो लोग जो कि शारीरिक कार्य ज्यादा करते हैं, शारीरिक कार्य मतलब अगर कोई जिम ट्रेनर है या फिर कोई स्पोर्ट्स में है या फिर ऐसा कोई काम जिसमें उसके शरीर का ज्यादा यूज होता हो, तो वो काम करने वाले लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है. राइस वीट पोटैटो कंटेन्स स्टार्च. इसके अलावा चावल आलू तो मैंने आपको बताया, चावल आलू के अलावा गेहूं में भी कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है. इसके अलावा चीनी ग्रेप्स मीन्स अंगूर और आपका हो जाता है गन्ना और अंगूर में भी ये कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है क्योंकि ये रिच सोर्स होते हैं शुगर का, ये चीनी का रिच सोर्स होते हैं. और मैंने पहले ही बताया कि शुगर जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स अपने अंदर रखता है. नेक्स्ट आ जाता है हमारा फैट्स. फैट जो होता है आप देख रहे हो ऑयल बटर एंड नट्स. ऑयल बटर एक होता है कि जो लोग हैवी होते हैं मोटे होते हैं तो उनके लिए क्या होता है कि ऑयल सबसे पहले जो मना करने वाली चीजें होती है वो होती है तेल घी मक्खन, ये सब चीजें उनको पहले मना किया जाता है. क्यों, क्योंकि इसमें फैट्स होता है. फैट्स मतलब आप अगर एक नॉर्मल फैट देखो तो फैट मतलब ही होता है मोटापा. तो ये जो चीजें होती है हमारी बॉडी को फैट्स प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से हमारा हेल्थ गेन होता है. वही मैंने बताया कि अगर कोई भी चीजें हम हद से ज्यादा कर लेते हैं तो हमें दिक्कत करती है. तो यही सब चीजें अगर हम एक लिमिट से ज्यादा खाने लगेंगे तो हमारा हेल्थ बढ़ने लगेगा जिससे कई सारी बीमारियां हमें लग सकती हैं. तो आइए फैट्स के बारे में पढ़ते हैं. दीज गिव्स अस मोर एनर्जी देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी हमें फैट्स ही प्रोवाइड करते हैं. ऑयल नट्स बटर हैव फैट इन देम. ऑयल हो गया, नट्स हो गया, बटर हो गया. नट्स मतलब मेवे वगैरह, बटर मतलब मक्खन, ऑयल तेल. तो ये सब चीजें जो होती हैं ये हमें फैट प्रोवाइड करती हैं. और अगर एक तरह से देखा जाए तो हम इन सब के बिना हमारा खाना अच्छा भी हमें नहीं लगता है, क्योंकि बटर तो एक बार को ना भी हम यूज करें, नट्स हम एक बार को ना भी यूज करें, लेकिन ऑयल जो होता है ये हमारे खाने का बहुत मेन पार्ट होता है. क्योंकि अगर हम एक नॉर्मल दाल भी बनाते हैं तो जब तक हम उसमें तड़का नहीं लगाते हैं तो हमें टेस्ट अच्छा नहीं लगता. और तड़का भी किसकी वजह से लगेगा, ऑयल की वजह से लगेगा. हम फ्राई कोई भी चीज करेंगे तो वो किसमें करेंगे, ऑयल में करेंगे, चाहे वो रिफाइंड ऑयल हो, चाहे वो सोयाबीन ऑयल हो, कोई भी ऑयल हो, लेकिन हमें ऑयल बहुत ज्यादा जरूरी होता है. फैट हेल्प अस टू कीप
बॉडी वॉर्म, हमारी बॉडी को ये अंदर से गर्म भी रखता है। जिनके अंदर फैट की मात्रा ज्यादा होती है, इन सब चीजों की मात्रा ज्यादा होती है, उनको अक्सर गर्मी बहुत ज्यादा लगती है और गुस्सा भी उनको ज्यादा आया करता है। एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर फ्यूचर यूज। और सबकी बॉडी में अगर हम खाना फैट को खाना कुछ समय के लिए कम भी कर दें, फैट वाली चीजें खाना अगर हम कम भी कर देते हैं, तो भी हमारी बॉडी जो होती है, क्योंकि उसको यूज तो होता ही है, नीड तो होती है फैट की, अगर हम एकदम बंद कर देंगे तो भी दिक्कत करेगा। तो हमारी जो बॉडी होती है, जो जब हम फैट को अपने अंदर लेके जाते हैं, खाते हैं कोई भी चीज, तो उसमें से जो जितना भी फैट होता है वो उसको निकाल कर और एक जगह स्टोर करके रख लेती है एक्स्ट्रा यूज के लिए, फ्यूचर यूज के लिए। जब कभी हमारी बॉडी को फैट्स ना मिले तो वो वही जो स्टोर किया हुआ फैट्स है बॉडी में, उसी का यूज कर लेगी। वी मस्ट नॉट हैव टू मच फैट्स इन आवर डाइट एज इट मे रिजल्ट ओबेसिटी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमें अपने खान पान में ज्यादा फैट यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि फैट यूज करने से ये हमारा ओवरवेट की बीमारी चढ़ सकती है, ओवरवेट जिसमें वजन लगातार बढ़ता जाता है। ऑब्सेसिटी लेड्स टू डिजीज लाइक ब्लड प्रेशर एंड हार्ट अटैक। और ज्यादा वजन बढ़ने से या ज्यादा मोटापा बढ़ने से दो सबसे बड़ी बीमारी भी अफेक्ट कर सकती हैं, जो है ब्लड प्रेशर बीपी, बीपी हाई होना सबसे ज्यादा दिक्कत करता है, और एक है हार्ट अटैक। तो इतना भी फैट नहीं खाना चाहिए कि हम अपने टेस्ट के चक्कर में अपनी मौत को बुलावा दे दें। फूड दैट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर आवर बॉडी। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो एक भोजन ऐसे फॉर्म जो कि हमारी बॉडी को बढ़ने में, और हमारी बॉडी में अगर कहीं हमें चोट वगैरह लग जाती है, कभी हड्डी वगैरह क्रैक हो जाती है किसी एक्सीडेंटल केस से, तो हमारी बॉडी में वो चीजें रिपेयर कैसे होती है, प्रोटीन के कारण होती है। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रोटीन। तो ये अगर ना हो हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी को रिपेयर होने में या चोट वगैरह से, किसी भी चोट से उभरने में काफी ज्यादा समय लग सकता है, क्योंकि जिनमें एक चीज की कमी होती है तो उन चीजों की जो बॉडी होती है वो जल्दी ही हड्डियां उनकी कमजोर हो जाती हैं, और कमजोरी के कारण वो जल्दी टूट जाती हैं, और टूटने के बाद उनको रिपेयर होने में भी काफी ज्यादा टाइम लगता है। सो प्रोटीन दीज गिव्स अस एनर्जी। ये भी हमें एनर्जी देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लिखे हुए वो सभी एक प्रकार से एनर्जी ही देते हैं, लेकिन ये मैं फॉर्म आपको बता रही हूँ कि किस किस फॉर्म में हमें एनर्जी देते हैं दे ऑल्सो हेल्प अस इन डेवलपिंग योर बॉडी एंड मेक यू ग्रो। ये आपकी बॉडी शेप को, आपकी बॉडी को स्वस्थ रखने में, मस्त रखने में और ग्रो करने में हेल्प करती है। मीट, एग, फिश, चिकन, यहाँ लिखा हुआ ऑलरेडी, मीट, एग, फिश, चिकन, मिल्क एटसेट्रा, ये सभी चीजें होते हैं जो गुड सोर्स होते हैं प्रोटीन के। फिश, मीट एंड मिल्क तो आप जान ही रहे हो, तो ये सब चीजें जो होती हैं ये प्रोटीन का एक बहुत ही रिच साधन होती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फूड दैट हेल्प अस टू स्टे हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। ऐसे फूड्स जो हमें हेल्दी, स्वस्थ और ताकतवर बनाने में हेल्प करते हैं, अब उनके बारे में पढ़ते हैं, वो है हमारे विटामिन्स। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई, कई सारे विटामिन्स ऐसे होते हैं जो कि हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं, और इनके कई सारे फॉर्म प्रकार होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, सबका अलग अलग काम होता है, सबके अलग अलग सोर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक ही चीज से सारे विटामिन पा लेंगे, नहीं, कुछ में विटामिन ए होता है, कुछ में विटामिन सी होता है, कुछ में विटामिन बी होता है, और उन सब की कमी, और ये सभी चीजें हमारी बॉडी में बराबर जरूरी होती है। अगर इनमें से एक भी विटामिन की कमी हो गई बॉडी में तो उससे भी कई सारे रोग हो सकते हैं। दिस कीप्स अस हेल्दी बाय गिविंग आवर बॉडी स्ट्रेंथ एंड फाइट डिजीज। ये जो होती है हमारी बॉडी को हेल्प करती है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। अभी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता वो होती है कि हमारी बॉडी को ये इतना स्टेबल कर देती है, इतना अंदर से स्वस्थ कर देती है कि बाहर से कोई भी रोग हमारी बॉडी को जल्दी इफेक्ट नहीं कर पाता। रोग मतलब होता है डिजीज, बीमारी, प्रतिरोधक मतलब रोकना, और क्षमता मतलब हमारी एबिलिटी, जो हमारी एबिलिटी होती है रोगों से लड़ने की, उस एबिलिटी को बढ़ा देती है, जिसके कारण हमें जल्दी कोई भी बीमारी नहीं होती। They also help us, they also help our body parts like eyes, nerves, germs and skin to work properly. और इसके साथ साथ ये हमारी आंखों की रोशनी की हेल्प करती है, हमारे मसूड़ों की, दांतों की और हमारे स्किन की, हर चीज की ये बराबर से देख रेख करता है। Vitamins are required in small quantities, but they are essential.
ज्यादा मात्रा में ना सही, कम मात्रा में ही इनकी जरूरत होती है, लेकिन इनकी जरूरत, इनका होना हमारी बॉडी में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऑरेंज मतलब संतरा, टमाटर, एग, मिल्क, गाजर, ये सब चीजें जो होता है, ये सब विटामिन के कई रिच सोर्सेज हैं जिनमें विटामिन काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मिनरल। मिनरल जो होते हैं ये हमारी हमारे टीथ, बोन, ब्लड एटसेट्रा, बोन्स मतलब हड्डियां, टीथ, दांत, ब्लड, खून, इन सब चीजों को स्वस्थ रखने में और साफ रखने में मदद करते हैं एंड आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। और हमारी बॉडी में स्मॉल क्वांटिटी में ही पाए जाते हैं लेकिन काफी ज्यादा जरूरी होते हैं। दे कीप्स अस फ्री फ्रॉम डिजीज, ये हमें हर तरीके की बीमारी से दूर रखते हैं। वी गेट मिनरल्स फ्रॉम सॉल्ट। मिनरल्स हमें किसमें से मिल सकता है? नमक में, और अच्छी क्वालिटी के नमक, ऐसे वैसे किसी नमक में नहीं, अच्छी क्वालिटी के नमक में हमें मिनरल्स मिलता है। फ्रेश फ्रूट, ताजे फलों में मिलता है, दूध में मिलता है, वेजिटेबल सब्जियों में मिलता है और कई तरह की चीजों में मिलता है। ये तो बात थी हमारे प्रोटीन्स, मिनरल्स, फैट्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सभी जो चीजें मैंने आपको बताई हमारे फूड में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज से ये सब कुछ पढ़ने के बाद तो आप अनजान नहीं रहोगे। क्यों? अभी तक तो क्या होता था, मम्मी ने सब्जी बनाई है, नहीं खाना है, मम्मी ने रोटी बनाई है, नहीं खाना है। आपको क्या चाहिए? मैगी चाहिए और अलग अलग चीजें चाहिए। टाइम टू टाइम ये सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन मैंने आपको ये भी बता रखा है कि जरूरत से ज्यादा ये चीजें बेकार होती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को जो चीज चाहिए वो चीज अगर हमारी बॉडी को नहीं मिलती है तो हमें उसका भी लॉस देखना पड़ता है। तो हमें, अगर हमें लंबा बनना है, अच्छा बनना है, सबसे अलग दिखना है, हेल्दी रहना है, सबसे बड़ी बात जो होती है वो हेल्थ होता है हमारा। अगर हमारा हेल्थ चला जाता है तो फिर हमें कुछ भी, हमारे पास कुछ भी नहीं बचता, चाहे हम कितने भी बड़े आदमी बन जाएं, चाहे हम कितने अच्छे दिखने में हो, लेकिन अगर हमारी हेल्थ लॉस हो गई तो हम किसी के सामने अपना अट्रैक्टिव लुक नहीं छोड़ पाएंगे, अपनी छाप नहीं छोड़ पाएंगे। तो इसीलिए आज से आप लोग हरी सब्जियां और सबसे स्पेशली दूध, मिल्क, आप देख रहे हो मैंने कई सारी चीजों में आपको मिल्क बताया, हरी सब्जियां खाना शुरू कर दो, मिल्क पीना शुरू कर दो, सब कुछ चीजें धीरे धीरे जो नहीं पसंद है उसको पसंद करके खाना शुरू कर दो, क्योंकि अभी आपकी ग्रोथ ईयर्स है, ग्रोथ एज है, और इस एज में अगर आपने अपने आप को ठीक कर लिया तो आप आगे हमेशा ठीक रहोगे। ओके, सो अब जो है आगे का जो चीजें हैं हम इसको अगली वीडियो में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन सभी चीजों को आप एक बार रिवाइज करिएगा, जो नहीं समझ में आए इन सब चीजों को पॉइंट आउट करिएगा और क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल।